Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As you people know that we have recently studied about the endocrinology. As I thought many topics related to endocrinology, such as the hormone, endocrine system, exocrine system, differentiate between the metabolism, etc. Now we have to study about little bit about the growth hormone. As recently I deliver a complete lecture about the growth hormone, but let me explain now the abnormalities. ठीक है, मैंने ग्रोथ हार्मोन बहुत डिटेल से पढ़ाया था, जिसका जो एक्शन है, इसका बोन पर क्या एक्शन है, इसका मेटाबॉलिज्म पर क्या एक्शन है, और भी जो इसका केमिकल नेचर वगैरह है, ये मैंने सब कुछ पढ़ाए थे. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के बारे में. अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में आप लोगों को बता दूं कि व्हाट आर द एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. इट मीन जब इसमें से इम्बेलेंसमेंट आ जाए, जब ये थोड़े मकदार में सीक्रेट हो जाए, तो इसका असर क्या होगा बॉडी पर, और जब ये हाई पर मतलब ज़्यादा रिलीज हो जाए तो इसका इफेक्ट क्या होगा. ठीक है, चलो एक्सप्लेन कर देते हैं. जैसे कि ग्रोथ हार्मोन जो है, अच्छा, ग्रोथ हार्मोन का जो पाथवे था, फॉर एग्जांपल GRH या GHRH मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एक किस्म का हार्मोन है. ठीक है, जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है. ठीक है, हाइपोथैलेमस. ठीक है, ये जब सिक्रीट हो जाते हैं तो फिर इट एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड इंटीरियर लोब, और इसको सिग्नल देते हैं कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ कर दो. ठीक है, जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो जाएगा तो ये डायरेक्टली एक्शन करेगा बॉडी पर. ठीक है, बॉडी पर डायरेक्टली एक्शन करेगा, या तो ये लिवर को रिस्पॉन्स देगा और लिवर पर सोमेटोमेडिन्स रिलीज़ करेंगे. सोमेटोमेडिन्स आर हार्मोन. ठीक है, वो इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर का काम कर रहे. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन सोमेटोमेडिन जो है ये पर्दर पर एक्शन करेगा बॉडी पर, बोन्स पर, मेटाबॉलिज्म पर, और इसी वजह से फिर ग्रोथ आएगा. ठीक है, अब अगर ये हाइपोसिक्रेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम मकदार में सिक्रीट हो जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं हाइपोसिक्रेशन. ठीक है, हाइपो मीन कम, डिक्रीज. ठीक है, अच्छा, ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट हो जाए तो फिर एक बीमारी आ जाती है, एक मेडिकल कंडीशन आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म. पस्त कद, जिसका कद छोटा होता है, तो उसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म. इफ द ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज आर सिक्रेटेड इन लेस अमाउंट फ्राम द पिट्यूटरी ग्लैंड, इट मे रिजल्ट एज द ड्वार्फिज्म. ठीक है, एक मेडिकल कंडीशन है. अच्छा, चलो इसको डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट इज़ द ड्वार्फिज्म. ठीक है, इसको हम शॉर्ट स्ट्रेचर भी कहते हैं, जिसका कद छोटा होता है. ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द एडल्ट ऑफ हाइट बिटवीन 4 feet and 10 inches आर 147 आर लेस 147 सेंटीमीटर. मैंने यहाँ पर मिस किया है कि 147 सेंटीमीटर. ठीक है, अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का 4 feet 10 inches कद है, या इससे कम है, या अगर इसको हम इंचों में कन्वर्ट करें, या 147 सेंटीमीटर इसका कद है, तो इसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, पस कद. ठीक है, अब अगर इससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर इसको हम कहते हैं इसको ड्वार्फिज्म में नहीं आता, बिकॉज ड्वार्फिज्म का डिफिनीशन यही है. फॉर एग्जांपल मोस्टली जो ड्वार्फिज्म पस कद वाले होते हैं, उनका एवरेज कद होता है 122 सेंटीमीटर इसका एवरेज होता है. लेकिन मतलब इसका जो डिफिनीशन, इसका जो गाइडलाइन या क्राइटेरिया है, कि 4 feet 10 inches से अगर कम हो, तो उसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म. ठीक है, अच्छा, लेट मी नाउ एक्सप्लेन द हाइपरसिक्रेशन. जब अगर ये ज़्यादा मकदार में सिक्रीट हो जाए, तो फिर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन हाइपरसिक्रेशन. ठीक है, जब मतलब ज़्यादा से सिक्रीट हो जाए. अच्छा, व्हेन द ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज इन द हायर अमाउंट आर एक्सेसिव अमाउंट, ठीक है, तो इट मे रिजल्ट एज
फिर इसके वजह से दो बीमारी आएंगी, या तो जिजांटिज्म आएगा या तो एक्रोमेगेली आएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम एक और नाम भी दे देते हैं, हाइपरसोमेटोट्रोपिज्म। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, तो इसी वजह से एक्सेसिव मकदार में जब रिलीज होगा तो इसको हम कहते हैं हाइपरसोमेटोट्रोपिज्म, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। ठीक है, अच्छा नाउ लेट मी डिफरेंशिएट बिटवीन एक्रोमेगेली एंड जिजांटिज्म। ठीक है, अच्छा मैं पहले आप लोगों को एक डायग्राम बना दूं, पहले भी आप लोगों को पता था मैंने बनाया था। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ठीक है, और यहाँ पर बोन में एक प्लेट होता है, इसको हम कहते हैं एपिफाइसल प्लेट। शिट, लेट मी ड्रॉ अगेन। ठीक है, यहाँ पर एक कार्टिलेज होता है जिसको हम कहते हैं एपिफाइसल प्लेट, या इसको हम ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। बोन में जो ग्रोथ होता है इट इज़ ड्यू टू द एपिफाइसल प्लेट, या जिसको हम ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन आ जाते हैं यहाँ पर, इसका एक्शन कर देता है इसको, फिर बोन का एलांगेशन हो जाता है। ठीक, इसी तरह एलांगेशन हो जाता है जिसकी वजह से कद ज़्यादा हो जाता है। ठीक, अब ये जो एपिफाइसल प्लेट है, इसका जो ग्रोथ प्लेट है, ये इसका फ्यूजन होता है, मतलब ये ऐसा वक्त आएगा जो बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा और बोन जो है बोन बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और इसके बाद कोई और ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, मतलब आफ्टर द क्लोजर। ठीक है, और ये मोस्टली अचीव होते हैं मोस्टली एट द एज ऑफ 22, मतलब 18 से लेकर 22 ईयर तक, या 25 ईयर तक भी कह सकते हो, मतलब इस एज तक फिर ये ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। मोस्टली इन द फीमेल इट मे बी स्टॉप बिटवीन द 16 एंड 18, बट इन द मेल इट मे बी स्टॉप बिटवीन द 18 to 20 or 22। ठीक है, अब अगर ये ग्रोथ प्लेट जो है ये क्लोज हो जाए और इसके बाद मतलब हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं एक्रोमेगेली। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एज 20 से अबव हो गया और आपका ग्रोथ प्लेट जो था वो ख़त्म हो गया, मतलब बंद हो गया, और इसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो गए, तो फिर जो मेडिकल कंडीशन आता है, जो बीमारी आ जाती है, सो उसको हम कहते हैं एक्रोमेगेली। ठीक है, अच्छा मतलब इसमें से हैंड और फीट्स जो होंगे, मतलब हाथ और पाँव, ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। ठीक है, इनलार्ज हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, और ये इफेक्ट कर देता है, मतलब 30 साल में भी आ सकते हैं, 50 साल में भी आ सकता है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज जो है एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एडिनोमा एक किस्म का कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में से बन जाता है और फिर इसकी वजह से ओवर सिक्रेशन हो जाती है। ठीक, अच्छा नो जिजांटिज्म क्या है? जिजांटिज्म जॉइंट, जॉइंट मीन बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है जिसमें से एबनॉर्मलिटी ऑफ ग्रोथ हार्मोन तो आती है, लेकिन आफ्टर द क्लोजर, फॉर एग्जांपल इसमें से क्लोजर, जब प्लेट जो है ग्रोथ प्लेट, इसका क्लोजर नहीं हुआ होगा, और इसके बाद इससे पहले पहले जब ये सिक्रेट हो जाए, इट मीन इन द चाइल्डहुड में या बिफोर द एडल्टहुड, मतलब बलूगत से पहले अगर इसमें से ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए, तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं जिजांटिज्म। ठीक, एक एक्रोमेगेली आफ्टर द क्लोजर ऑफ द ग्रोथ प्लेट, जिजांटिज्म बिफोर द क्लोजर ऑफ द ग्रोथ प्लेट। ठीक है, इट मे बी द टू डिफरेंशिएशन। ओके, थैंक।